सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि किसी व्यक्ति को दमे की मरीज है, थोड़े से देर चलने पर ही सांस फूल जाता हो, दमे की शिकायत हो, तो उस व्यक्ति को बैसाख के महीने में किसी भी दिन पीला चंदन, जो पीला चंदन आता है, उस पीले चंदन को घिसकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या फिर गुलाब की पत्तियां या गुलाब का रस मिलाकर उसका त्रिपुंड बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तीन उंगलियों से त्रिपुंड बेलपत्री के वृक्ष में लगा दीजिए। और उसके बाद में जिन उंगलियों से आपने त्रिपुंड बेलपत्री के वृक्ष में लगाया है, उन्हीं उंगलियों को भगवान शंकर के शिवलिंग पर जाकर त्रिपुंड बना दीजिए। और फिर वही चंदन, कौन सा चंदन, जो आपने चंदन बेलपत्री की जड़ में लगाया है, उन्हीं उस बेलपत्री की जड़ से आपको चंदन नहीं लेना, जो उंगलियों में चंदन लगा होगा वही चंदन भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है। और जो चंदन भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है, वही चंदन फिर आपको उंगलियों में लेकर आना है। और जिस व्यक्ति को दमे की शिकायत होती है, उस दमे वाले व्यक्ति के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड बना दीजिए, और जो कंठ है उस कंठ पर भी त्रिपुंड बना दीजिए। उसको दमे की जैसी भी शिकायत होगी, वह समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।